नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी जी को। मोना जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आईपीएल में जहां इस समय कोलकाता ने जीत दर्ज की है, वहीं दूसरा मुकाबला भी होना है। वहीं फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें आज अल क्लासिको पर लगी होंगी, उस पर भी आपसे चर्चा होगी। और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराया। प्लेऑफ में अपनी संभावना बरकरार रखने के लिए किंग्स इलेवन पंजाब और हैदराबाद आमने सामने। स्पेनिश सॉकर लीग लालीगा के अल क्लासिको में बार्सिलोना की टक्कर रियल मैड्रिड से। और एशियाई नेशन ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला टीम सेमीफाइनल में। वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी के सहारे कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 195 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली की टीम 9 विकेट पर 135 रन ही बना सकी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 47 रन की पारी खेली। ऋषभ पंत ने 27 रन का योगदान दिया। कोलकाता के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए। पैट कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 194 रन बनाए। नीतीश राणा ने 13 चौके और एक छक्के की मदद से 81 रन की आक्रामक पारी खेली। सुनील नारायण ने 32 गेंदों पर 64 रन बनाकर उपयोगी योगदान दिया। तो कोलकाता का चमकदार प्रदर्शन रहा है यहां पर मोना जी, इस मुकाबले में। बिल्कुल, और अगर हमने पिछला मैच जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर का प्रदर्शन था, बहुत कम स्कोर पर आउट हो गए थे, और उसके बाद इस मैच में भी जो शुरुआत रही थी बहुत ही खराब रही थी, लेकिन जिस तरह से वापसी की है, तो वाकई में मैं कहूंगी कि एक चैंपियन टीम के लक्षण है कि एक मैच में बहुत खराब प्रदर्शन के बाद आप इस तरीके से दूसरे मैच में भी शुरुआत अच्छी नहीं होती और आप 194 रन बना जाते हैं। और जो प्रयोग भी इन्होंने किए वो उनके लिए कारगर साबित हुए। सुनील नारायण ओपन करते थे, उनको ओपनिंग से हटाया गया, उनको नीचे भेजा गया, वहां पर उन्होंने आज देखिए कितनी उम्दा पारी खेली है। फिर वरुण चक्रवर्ती को जब खरीदा गया था 4 करोड़ रुपए में, तो काफी आलोचना हुई थी कि एक नए खिलाड़ी पर इतना महंगा दाव लगाया, लेकिन आज का मैच जिस तरीके से उन्होंने जिताया है, तो कहीं ना कहीं टीम प्रबंधन को अपने उस फैसले पर जरूर गर्व हो रहा होगा। पैट कमिंस की आलोचना हो रही थी कि सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं और चल नहीं पा रहे हैं, आज उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। नीतीश राणा को लेकर बोला जा रहा था कि कोई मैच विनिंग नॉक उन्होंने अभी तक नहीं खेली है, उन्होंने भी आज अपने आलोचकों को जवाब दिया। चूंकि ऑन्ड्रे रसेल चल नहीं पा रहे हैं, दिनेश कार्तिक लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, शुभमन गिल ने पैचेस में अच्छा खेला है, तो अब ऐसे खिलाड़ी जिनके फॉर्म को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उन खिलाड़ियों ने अगर ये मैच जिताया है तो ये कोलकाता के लिए आने वाले टूर्नामेंट जैसे अब आगे बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छा एक संकेत है। वहीं थोड़ी सी निराशा दिल्ली के लिए जरूर हुई कि दिल्ली सबसे अब तक निरंतरता जिसको कहते हैं प्रदर्शन में, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आ रही थी, शुरू से ही एक सॉलिड टीम के रूप में, खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में उभरी थी, लेकिन पिछले कुछ मैचों में अगर हम देखें तो बल्लेबाजों ने बहुत निराश किया है। शिखर धवन को अगर छोड़ दिया जाए तो दिल्ली के बाकी बल्लेबाज उस तरह से लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। आज शिखर जल्दी आउट हो गए, तो बाकियों के पास मौका था कि मैच विनिंग पारी कोई खेले, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर को छोड़कर उनका कोई भी बल्लेबाज आज चल नहीं पाया। तो दिल्ली प्लेऑफ की दौड़ की मजबूत दावेदार है, लेकिन एक कहीं न कहीं ये खतरे की घंटी होगी इस तरह का प्रदर्शन कि आप जिस तरह आज दिल्ली ने घुटने टेके हैं। दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत, दो भारतीय विकेटकीपर, दोनों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक। दिनेश कार्तिक के लिए प्लेइंग 11 में अब जगह बनाना मुश्किल दिख रहा है। आप देखिए, उन्होंने कप्तानी छोड़ी ये कह के कि उनको बल्लेबाजी पर अभी कंसंट्रेट करना है, फिर उसके बाद उन्होंने एक मैच में कुछ अच्छे खुलकर शॉट्स भी लगाए, अच्छा भी खेले, लेकिन जितना उनके पास अनुभव है आईपीएल का भी और भारतीय टीम के भी, वो सदस्य रहे, उस प्रतिभा के साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है टीम प्रबंधन को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि उनके एक खिलाड़ी इंजर्ड हुए थे और उसके बाद न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टी शेफर्ट को कोलकाता ने अपनी टीम के साथ जोड़ा है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबले में दिनेश कार्तिक को जगह देते हैं या फिर उन्हें बाहर का
रास्ता दिखाया जाएगा। आज जो दूसरा मैच होना है वो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है, जहां सनराइजर्स हैदराबाद का सामना होगा किंग्स इलेवन पंजाब से। और ताजा हाल टॉस का यह है कि एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच रिपोर्ट के साथ हैं दीपिका शर्मा। आईपीएल में डबल हेडर के दूसरे मुकाबले में अब से कुछ देर बाद किंग्स इलेवन पंजाब का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। दुबई के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में पंजाब की नज़र लगातार चौथी जीत पर होगी। वहीं पिछले मैच में बड़ी जीत से उत्साहित सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी अपनी लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी। दोनों ही टीमों की स्थिति लगभग एक जैसी है। इन दोनों टीमों के 10 मैचों में 8 अंक हैं, लेकिन हैदराबाद की टीम बेहतर रन गति के कारण 8 टीमों की तालिका में अपने द्वंदी से एक पायदान आगे 5वें स्थान पर है। प्लेऑफ में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों टीमों को अपने बाकी मैच जीतने होंगे। किंग्स इलेवन पंजाब के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन पिछले 3 मैचों में उसने शानदार प्रदर्शन किया है। किंग्स इलेवन ने दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराया है। लोकेश राहुल की अगुवाई वाली टीम शीर्ष 4 में जगह बनाने के लिए विजय अभियान जारी रखने की कोशिश करेगी। कप्तान राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल और निकोलस पूरन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की फॉर्म चिंता का विषय है। जिमी निशाम के आने से टीम की बल्लेबाजी और मोहम्मद शमी की अगुवाई वाली गेंदबाजी को भी कुछ मजबूती मिली है। सनराइजर्स को भी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी बचे 4 मैच जीतने होंगे। लगातार 3 हार के बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुरुवार को 8 विकेट से मिली जीत से टीम का मनोबल बढ़ा है। डेविड वार्नर की टीम अब प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो की नाकामी के बावजूद टीम मनीष पांडे और विजय शंकर के अर्धशतकों की मदद से 155 रन का लक्ष्य हासिल करने में सफल रही है। जेसन होल्डर को शामिल करने से सनराइजर्स की गेंदबाजी मजबूत हुई है। वेस्टइंडीज के इस ऑलराउंडर ने रॉयल्स के खिलाफ 33 रन देकर 3 विकेट लिए, लेकिन टीम के युवा खिलाड़ियों प्रियम गर्ग, अब्दुल समद और टी नटराजन को अधिक जिम्मेदारी संभालने की जरूरत है। दोनों टीमों की तैयारियों को देखते हुए मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। मोना जी, जब हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो प्लेइंग 11 की घोषणा नहीं हुई थी। मयंक अग्रवाल और जिमी निशाम दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मयंक अग्रवाल को किस कारण से? देखिए, हो सकता है कि शायद वो चोटिल हों। अभी क्लियर नहीं है कि मयंक अग्रवाल क्यों ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि वो लगातार अच्छे फॉर्म में हैं और उन्होंने मैच विनिंग पारियां खेली है, तो कोई कारण रहा होगा शायद चोट वगैरह का। लेकिन इस मैच की अगर हम बात करें, तो इस पूरे आईपीएल की अगर हम बात करें, तो जो सबसे एक्साइटिंग एक टीम है वो मुझे लगता है किंग्स इलेवन पंजाब है। आप चाहे उन्होंने जो मैच हारे भी हैं, अगर आप उनको भी देखें तो कितने करीबी मुकाबले थे, जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले रहे। तो तकदीर ने कुछ एक मौकों पर उनका साथ नहीं दिया, लेकिन अंतिम समय तक हार नहीं मानने वाली जो टीम है वो किंग्स इलेवन पंजाब है। और लोकेश राहुल ने बहुत जबरदस्त कप्तानी भी की है और प्रदर्शन भी बल्ले से उनका बहुत अच्छा रहा है। और भारत के भावी कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, इन लोगों को देखा जा रहा है, तो उस हिसाब से भी उस कसौटी पर वो खरे उतरते जा रहे हैं। और क्रिस गेल जब से आए हैं टीम के प्रदर्शन में 4 चांद लगे हैं। आपको याद होगा सुपर ओवर में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी। और हमेशा हम कहते हैं कि ये जो T20 है ये बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन इस आईपीएल में आप देखिए गेंदबाजों ने जिस तरीके से मैच जिताए हैं, तो मोहम्मद शमी उनमें अग्रणी, बिल्कुल काबिले तारीफ प्रदर्शन है। पूरे टूर्नामेंट में अभी तक मोहम्मद शमी ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और सिर्फ इसी टीम की हम बात न करें, कल का जो मैच था जिसमें मुंबई इंडियंस में जिसको हम कहते हैं इन टैंडम गेंदबाजी करना, जिसे बल्लेबाजी हम साझेदारियों में करते हैं, तो जिस तरह जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल ने गेंदबाजी की, तो इस मैच में भी बहुत हद तक दोनों के पास बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। तो गेंदबाजों पर काफी दारोमदार रहेगा, क्योंकि सनराइजर्स को हमेशा से कहा जाता था कि वो अच्छे गेंदबाजों की टीम है। और राशिद खान अच्छा प्रदर्शन कर भी रहे हैं, जैसन होल्डर के आने से बैलेंस एक आया है टीम में, तो ये काफी रोमांचक मुकाबला होगा, क्योंकि दोनों टीमों की स्थिति अभी कमोबेश एक जैसी है। 8-8 अंक है, हर मैच इनके लिए करो या मरो का है, और सारा सब कुछ झोंक देना होगा इनको आज के मैच में। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही टीमें किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है। पिछले मैच में आप देखिए सनराइजर्स के लिए बेयरस्टो नहीं चले, वार्नर नहीं चले, लेकिन विजय शंकर, ये वही विजय शंकर है जिनको 3D प्लेयर वर्ल्ड कप में बोला गया था, बिल्कुल 3D प्लेयर बोला था, लेकिन
पिछले मैच में उन्होंने वाकई बल्ले और गेंद दोनों से सराहनीय प्रदर्शन किया, तो उनसे उम्मीद होगी कि वो अच्छा प्रदर्शन जारी रखें। जी हाँ बिल्कुल, आपने कल के मैच की भी बात की। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह की कहर बरपाती तेज गेंदबाजी के बाद ईशान किशन के आक्रामक अर्धशतक की मदद से मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के मैच में कल तीन बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 10 विकेट से हरा दिया। टॉस की उछाल से लेकर गेंदबाजी और बल्लेबाजी तक कुछ भी चेन्नई के पक्ष में नहीं रहा। मुंबई के तेज आक्रमण के सामने चेन्नई सुपर किंग्स का शीर्ष क्रम एक बार फिर बिखर गया और धोनी की टीम 9 विकेट पर 114 रन ही बना सकी। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर चेन्नई ने पांच विकेट सिर्फ पावर प्ले के अंदर ही गवा दिए। इनमें से बोल्ट ने तीन और बुमराह ने 2 विकेट लिए। इन शुरुआती झटकों से चेन्नई उबर ही नहीं सकी। जवाब में रोहित शर्मा के बिना उतरी मुंबई ने 12 ओवर और 2 गेंद में बिना किसी नुकसान के लक्ष्य हासिल कर लिया। क्विंटन डीकॉक ने 37 गेंद में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 46 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 37 गेंद में 68 रन की पारी खेली। हैमस्ट्रिंग चोट के शिकार रोहित की जगह कैरन पोलार्ड ने इस मुकाबले में मुंबई की कप्तानी की। बहुत शानदार जीत मुंबई के लिहाज से, मुंबई के लिए बहुत शानदार जीत, लेकिन बहुत दुख है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि तीन बार की चैंपियन है, आईपीएल की इतनी मजबूत टीम है, जो आईपीएल को एक रंग देने वाली जो बात होती है वो कुछ एक टीमें हैं और उनमें चेन्नई सबसे आगे है। तो बहुत इस तरीके का निराशाजनक प्रदर्शन देखकर, जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, काफी दुख हुआ। और धोनी ने कल मैच के बाद कहा भी कि अगले सेशन को ध्यान में रखते हुए उन्हें काफी टीम में बदलाव करने होंगे और अब आने वाले मैचों में युवा खिलाड़ियों को देख सकते हैं हम खेलते हुए। धोनी के जो फैंस हैं मोना जी, उनके मन में एक सवाल बैठ गया है कि क्या धोनी का ये अंतिम आईपीएल है, बल्ले से जिस तरह का प्रदर्शन है और जैसा टीम का प्रदर्शन है उसके बाद। देखिए, हर खिलाड़ी का एक प्राइम होता है, एक सर्वश्रेष्ठ दौर होता है और उसके बाद उतार आता है। ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की बात नहीं है, ये दौर सचिन तेंदुलकर ने भी देखा है, ये दौर इमरान खान ने भी देखा है, जितने दुनिया के महान खिलाड़ी हैं, सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, तो हमें ये स्वीकार करना होगा। और जो भारतीय प्रशंसकों की आप बात कर रहे हैं, इतने भावुक होते हैं और इतने जुड़ जाते हैं खिलाड़ियों से, अपने नायकों से, कि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि हाँ इनका भी खराब दौर आ सकता है, इनके भी करियर का अंत हो सकता है। लेकिन हाँ, ये स्वीकार तो करना ही होगा कि जो मैच विनिंग, जिसको कहते थे मिडास टच या फिनिशिंग एबिलिटीज, वो अब कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में धोनी में नजर नहीं आई है और उनको नए से शायद वो किसी और भूमिका में हमें क्रिकेट में नजर आए। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद धोनी खुद ही इसके बाद ना खेलना चाहे। ये तो समय ही बताएगा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक कैप्टन कूल और दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स में से एक महेंद्र सिंह धोनी क्या इस आईपीएल के बाद क्रिकेट को बतौर प्लेयर जुड़े रहेंगे या फिर मेंटोर की भूमिका में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में खराब होती हवा की गुणवत्ता का हवाला देते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले महीने 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच लाहौर के बजाय रावलपिंडी में कराने का फैसला किया है। 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच पहले लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में कराए जाने थे, लेकिन अब इनका आयोजन 7, 8 और 10 नवम्बर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दुनिया भर में फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें इस समय स्पेन में लगी हुई हैं, जहां रियल मैड्रिड का सामना बार्सिलोना से होना है और दुनिया भर में ये मुकाबला जो है वो अल क्लासिको के नाम से मशहूर है। अतहर सईद हैं इस मैच पर रिपोर्ट लेकर। ला लीगा चैंपियन रियल मैड्रिड स्पेनिश फुटबॉल के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मुकाबले एल क्लासिको में अपने चिर प्रतिद्वंदी बार्सिलोना का सामना करने के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला आज रात बार्सिलोना के घरेलू मैदान कैंप नाउ में खेला जाएगा। ये दोनों टीमें एक दूसरे से टकराएंगी तो दोनों के बीच ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता के नए संघर्ष के उभरने की संभावना होगी। दोनों टीमों के बीच पिछला एल क्लासिको मुकाबला मार्च में बर्नबाउ में खेला गया था, तो रियल मैड्रिड ने विनिसियस जूनियर और मारियानो डियाज के गोल की बदौलत 2-0 से जीत हासिल की थी। इस जीत के बाद रियल मैड्रिड काफी आगे निकल गई और बार्सिलोना को हटाकर ला लीगा का खिताब जीता। हालांकि उसके बाद से दोनों टीमों के प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है और उन्हें आसान प्रतिद्वंदियों के खिलाफ भी अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है। रियल मैड्रिड के कोच जिनेदिन जिदान इस समय काफी दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम पर लगातार हार के बाद दबाव बढ़ रहा है। उनकी टीम ला लीगा में इस साल जगह बनाने वाली क्लब कैंडिज से हार गई और चैंपियंस लीग
लीग में सख्तर के हाथों मिली हार से उसे जोरदार झटका लगा है। बार्सिलोना के लिए भी चीजें आसान नहीं चल रही हैं। गेटवे के खिलाफ मुकाबले के दौरान नए मैनेजर रोनाल्ड कोमैन के मार्गदर्शन में बार्सिलोना को 0-1 से पहली हार का सामना करना पड़ा। एल क्लासिको से पहले दोनों दिग्गज क्लबों की हार ने उनकी आक्रामकता पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आज कैंप नाउ स्टेडियम में उम्मीद है कि दोनों टीमों के बीच पुरानी आग देखने को मिलेगी। इस मुकाबले के दौरान सभी की नजरें बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी पर टिकी होंगी, जिन्होंने क्लब छोड़ने की इच्छा जताने के बाद कानूनी विवाद से बचने के लिए एक बार फिर बार्सिलोना के साथ बने रहने का फैसला किया। इस अर्जेंटीनी दिग्गज के नाम ला लीगा के 27 एल क्लासिको मुकाबलों में रिकॉर्ड 18 गोल दर्ज हैं, जिसमें 2007 में कैंप नाउ में और 2014 में बर्नबाउ में लगाई गई हैट्रिक भी शामिल हैं। रियल मैड्रिड के कोच जिनेदिन जिदान ने साफ कर दिया है कि कप्तान सर्जियो रामोस चोट से उबर चुके हैं और वो इस मुकाबले में खेलेंगे। आंकड़ों की बात करें तो ला लीगा में 180 मैचों में दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, जिसमें रियल मैड्रिड ने 73 और बार्सिलोना ने 72 मैच जीते हैं, जबकि 35 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। मोना जी, क्लब फुटबॉल की बात करें तो शायद सबसे बड़ा मुकाबला दुनिया की दो सबसे मशहूर फुटबॉल क्लब, लेकिन जो बॉटम लाइन कहती है वो ये है कि दोनों ही बहुत खराब फॉर्म में। बिल्कुल, इस मुकाबले की लोकप्रियता का आलम यह है कि आईपीएल चल रहा है, लेकिन आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, हर जगह अल क्लासिको की बात हो रही है, जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के फुटबॉल मैच को कहा जाता है, तो सभी की नजरें हैं। वाकई में दोनों टीमों का प्रदर्शन जुलाई के बाद से बहुत ही खराब रहा है। रियल मैड्रिड को तो दो कमजोर टीमों से पराजय झेलनी पड़ी। उधर बार्सिलोना कैंप में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मेसी और कोच के बीच का मनमुटाव जग जाहिर है और उनके लिए बड़ी अग्नि परीक्षा होगी ये मुकाबला, क्योंकि अपने क्लब छोड़ने के फैसले के बाद ये उनका सबसे बड़ा मुकाबला है। इधर जिनेदिन जिदान जो रियल मैड्रिड के मैनेजर हैं, उन पर काफी दबाव है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि उनको बर्खास्त कर दिया जा सकता है। अगर ये मैच हारती है तो काफी तनावपूर्ण होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरीके के मैच होते हैं और उसमें जो दर्शकों का असर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और पहली बार पैंडेमिक की वजह से बिना दर्शकों के ये मुकाबला खेला जाएगा, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि उसका कितना असर पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, और कल इसी कार्यक्रम यानी स्पोर्ट्स कैन में हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले का क्या नतीजा निकला। एशियाई नेशन ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष और महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रिपोर्ट के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने कल एशियाई नेशंस ऑनलाइन शतरंज कप 2020 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में किर्गिस्तान के दोनों मुकाबलों में आसानी से 4-0, 3.5 के मुकाबले आधे अंक से हराया। आज महिलाओं का सामना मंगोलिया से होना है। पुरुष टीम ने मंगोलिया पर दोनों मुकाबलों में 2.5-1.5 के समान अंतर से जीत दर्ज की। उसका सामना अब ईरान से होगा। युवा महिला ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, पदमनी राउत और पीवी नंदिता ने अपने दोनों मैच जीते। भक्ति कुलकर्णी ने दूसरे मैच में बेगी माई जेयर बैक के खिलाफ सिर्फ आधा अंक गंवाया। पुरुषों में के शशिकिरण ने 9 में से 8 अंक लेकर दूसरे बोर्ड में रजत जीता। सेमीफाइनल में निहाल सरीन कड़ी चुनौती पेश करने के बाद गेजो रिग अमरतो शिन से हार गए, जबकि एसपी सेतुरमन और शशि किरण ने जीत दर्ज की। सूर्य शेखर गांगुली ने ड्रॉ खेला। दूसरे मैच में बी अधिबान और सरीन ने अपनी बाजियां जीती। शशि किरण ने बाजी ड्रॉ खेली, जबकि गांगुली को हार झेलनी पड़ी। टूर्नामेंट का फाइनल 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन, वीरेंद्र कौशिक। टेनिस की बात करें तो ओस्ट्रावा ओपन के क्वार्टर फाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी जेनिफर ब्राडी ने वेरोनिका कुदेरमेतोवा को 6-7, 6-3, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर तीसरी वरीयता प्राप्त आर्याना सबालिंका ने सारा सोब्रेस टोरेमो को हराया है। मारिया सक्कारी ने उन्स जाबेर को, जबकि विक्टोरिया अजारिंका ने एलिस मर्टेंस को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने सोनीपत में 28 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक आयोजित होने वाले टेबल टेनिस राष्ट्रीय अभ्यास शिविर को अपनी मंजूरी दे दी है। साई ने एक बयान में बताया कि सोनीपत के दिल्ली पब्लिक स्कूल में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित होने वाले शिविर में 11 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिनमें 5 पुरुष और 6 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें 4 सपोर्ट स्टाफ भी हिस्सा लेंगे।
और चलते चलते हम आपको बता दें कि देश के हर तैराक के लिए अब रजिस्ट्रेशन और यूआईडी नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन और यूआईडी नंबर के अब तैराक किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है और वहां खिलाड़ी निःशुल्क 31 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मोना जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खेल खबर पर आपसे चर्चा करें। आप स्टूडियो में आई और विशेषज्ञ राय आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।